केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को ईडी मामले में जमानत पर फैसला सुनाएगी। पी चिदम्बरम ने अपनी जमानत याचिका में हाईकोर्ट से कहा था कि उन्हें केवल परेशान करने और उनकी छवि को खराब करने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया है। चिदम्बरम ने यह भी दावा किया कि ईडी ने हिरासत में रखने के समय उनका किसी अन्य आरोपी से आमना सामना भी नहीं करवाया। ये पूरा मामला डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय डॉक्यूमेंट की जाँच करनी चाहिए। हरियाणा में मंत्रालयों के बंटवारे में दुष्यंत चौटाला का दबदबा नजर आया, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले उन्हें कई बड़े मंत्रालय मिल गए, जिसके बाद हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन वाली सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और 10 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें बीजेपी के कोटे से 8, जेजेपी के कोटे से 1 और एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया। लेकिन मंत्रियों के शपथ लेने से ठीक पहले देर रात मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और जेजेपी को रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यही वजह है कि अब तक मीडिया से बात करने से बचते दिख रहे दुष्यंत चौटाला ने खट्टर के नए मंत्रिमंडल की जमकर तारीफ की। हर फील्ड के व्यक्ति को जगह मिली है, हरियाणा का चौमुखी की विकास सब मिलकर करने का काम। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा और गठबंधन धर्म का हवाला देकर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को सही साबित करने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर पर सभी नेताओं से बातचीत करनी पड़ती है और गठबंधन सरकार है, गठबंधन के लोगों से भी सामंजस्य बैठाना पड़ता है, इस कारण से ये हुआ। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिवाली के दिन शपथ ली, लेकिन खबर है कि मंत्रालयों के बंटवारे पर दुष्यंत चौटाला के अड़ियल रुख की वजह से 17 दिन तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया और आखिरकार दुष्यंत चौटाला बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब रहे और सरकार में केवल 2 मंत्रियों वाली जेजेपी की झोली में 11 बड़े मंत्रालय डलवा दिए, जिनमें रेवेन्यू, एक्साइज, इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी और रोजगार जैसे मंत्रालय शामिल हैं। खबर है कि इन 11 में ज्यादातर मंत्रालय दुष्यंत चौटाला खुद संभालेंगे। हालांकि चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह, वित्त और स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हुई जिसके बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। गुजरात के जामनगर में सरकारी गोदाम में खुले में रखी गई क्विंटल मूंगफलियां बारिश का पानी भरने की वजह से बर्बाद हो गई। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अनिल विज अम्बाला पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच अनिल विज ने राज्य का विकास करने की बात कही। मेरा एक ही नारा है कि काम किया है, काम करेंगे। यूपी के पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 525 जोड़ों की शादियां करवाई गई। इस बीच सीएम ने 477 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए, जिसके बाद घंटों से बर्फ में फंसे लोगों ने प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। ना तो प्रशासन, ना तो बीआरओ कोई भी, यानी कि लोगों की सुध लेने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है ना। जयपुर के पास मौजूद सांभर झील में हजार